बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका होस्ट सैयद सगीर हुसैन शाह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़ चैनल। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आया हूं जिसके बारे में सभी मुझे पूछते हैं, सीरियल अर्तगल गाजी के बारे में कि ये ड्रामा क्या है, ये क्या है। अगर आप मुझे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दें करेंगे तो मैं इसकी वीडियो के साथ एपिसोड बनाने के लिए तैयारी शुरू करूँगा। शायर मशरक इलामा मोहम्मद इकबाल ने अर्तगल गाजी और आसमानिया सल्तनत के बारे में लिखते हैं, अगर आसमानियों पर कोहे गम टूटता तो क्या गम है, अगर खून सद हज़ार अंजम से होती है शहर पैदा, हज़ारों साल नरगस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर तहरीक आज़ादी हिंदो पाकिस्तान के नामों में से एक नाम है। उन्होंने आसमानिया सल्तनत के हक में तहरीक खिलाफत चलाई जिसमें इस खित्ते अर्ज की औरतों ने अपने जेवर तक तुर्क आसमानियों की मदद के लिए कुर्बान किए। 1919 में इस सरजमीन से तभी काफले भी तुर्क मदद के लिए पहुँचे। अर्तगल गाजी वो जालबाज मुजाहिद था जिसने अपने ज़माने में मंगोलों, सलूबियों और सल्तनत के गद्दारों को शिकस्त दी और बिखरे हुए मुसलमानों को मुतहद किया और पूरी दुनिया के सामने ये मिसाइल कायम की कि मुसलमानों के अज़म और कुव्वत और बाजू के सामने पहाड़ों जैसी ताकत कोई मायने नहीं रखती। तकरीबन 150 ममालिक में ये ड्रामा तर्जमे के साथ दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे की कामयाबी की वजूहात में इसमें खालस इस्लामी रवायात, तहजीब, महजब, माशे के असूल, शादी ब्याह की तकरीब के अंदाज, रहन सहन, तर्ज माशरत और जंगी अंदाज का होना है। इस ड्रामे की मकबूलियत में सिर्फ नौजवान नस्ल में ही नहीं बल्कि हर उम्र से तलक रखने वाले अफराद में बढ़ती जा रही है। बहुत से अरसे के बाद कोई ऐसा ड्रामा देखने को मिला है जिसमें इस्लामी रवायात, अहदीस और सहाबा इकराम के अकवाल और जंगी अंदाज को अपनाया गया है, जबकि आम तौर पर हमारे सामीन में एक ही तरह के ड्रामे जो सास बहू की लड़ाई और घरेलू मसाइल पर मबनी देख रहे थे। अर्तगल गाजी ड्रामा मुसलमानों के ताबनाक माजी की एक झलक है। कुरान और हदीस के हवाले से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात, हज़रत अली करबला वजह की बहादुरी, अम्बिया के किस्से सुनने को मिलते हैं। इस ड्रामे के ग्राफिक्स तो हॉलीवुड से भी कम मेयार के हो सकते हैं लेकिन इसके डायलाग्स सुनहरी हरूप से लिखने के काबिल हैं। ड्रामे को बनाते वक्त इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है कि ये सिर्फ तुर्कों की ही नहीं नुमाइंदगी करता बल्कि ये मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है। इस ड्रामे में मुसलमानों के लिए जो सबक देखने को मिलता है वो ये है कि इस्लामी इकदार और रवायात के बगैर मुसलमानों का कोई वजूद नहीं। मगरबी ममालिक इस ड्रामे में को ख़ास पजीराई नहीं मिली क्योंकि गैर इस्लामी ताकतें ऐसे किसी बात के हक में नहीं हैं जिसमें मुसलमान इकट्ठे हों या इनके जज्बा हुब्बुल वतनी जंगी अंदाज को फ़रोग मिले, क्योंकि वह मुसलमानों को एक नाअहल कौम देखना चाहते हैं, इनका इत्तेहाद इत्तफाक ख़त्म करके इनको टुकड़ों में देखना चाहते हैं। बल्कि एक अमरीकी अखबार में अर्तगल गाजी ड्रामे को साइन वार कहते हैं, तो ये सब कैसे चाहेंगे ये कोई ऐसा सीरियल बने जिससे इनके जज्बे ईमानी, जंगी अंदाज और इत्तेहाद को फ़रोग मिले, क्योंकि मुसलमान तो अपने ईमान और बहादुरी से जंग लड़ता है। अर्तगल गाजी ड्रामे से हमें यही सबक मिलता है कि मुसलमान अगर सीसा पलाई दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे हज़रत इल्लामा इकबाल ने फरमाया, काफ़र है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को मुतहद रखे और तमाम मुस्लिम अक़वाम आलम को। ये मैं ड्रामा तैयार, ये एपिसोड मैं तैयार करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे लाइक करेंगे तो मैं आपका मशकूर और ममनून होऊंगा। वा आखिर दावाना इलल हम्दुलिल्लाह रब्बिल। थैंक्स फॉर वाचिंग एचडी शाह चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर लिखें।